हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल ज्ञान एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मेरे पास कूलपैड नोट 5 मोबाइल फ़ोन है। इसकी मैं टच चेंज करके दिखाऊंगा बिना किसी OCA मशीन की मदद से, और वो भी बहुत ही परफेक्टली। टच को लगाने से पहले मैं टच को चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जो है इसकी टच की जो वारंटी होती है, स्टिकर जो लगा हुआ आपको दिख रहा है वाइट कलर का, वो छूटने से पहले ही आपको चेक करना होती है। देखिए, टच प्रॉपर वर्क कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, टच को किस कॉम्बो को किस तरह से रिमूव करना है बिना डिस्प्ले को ब्रेक हुए, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ बिना OCA मशीन की मदद से टच चेंज करना किसी भी फ़ोन की, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे टच को प्रॉपर चेक कर लिया है ताकि कि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए टच लगाने के। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन वर्क की ओर। दोस्तों, मैंने टच को चेक पूरी तरह से चेक कर लिया है, ये परफेक्ट वर्क कर रही है। आप सब भी इसको पहले चेक कर लें, वरना इसकी जो चिट छुटने के बाद में जो इसकी वारंटी होती है टच की, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप पहले ही चेक कर लें। तो दोस्तों, मैं अब आपको एक टैप दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से हम ये इस टच को इस डिस्प्ले इस मोबाइल में चिपकाएंगे। दोस्तों, आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको इसको चारों तरफ इस टैप को लगा देना है। ये टेप मार्केट में आसानी से आप सभी को अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, ये डबल साइड टेप होता है, बहुत ही पतला होता है, और इससे आप टच को चिपका सकते हैं। दोस्तों, ये टेप लगाना बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत बड़ा इसका वर्क है दोस्तों इस टच लगाने में। तो इसकी मदद से ये होता है कि साइडों से कभी कभी डस्ट चली जाती है फोल्डर और टच के बीच में, जो कि बाद में दिखने लगती है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको चारों तरफ ये जो है डबल साइड टेप आपको लगा देना है, और ये भी ध्यान रखना है कि सामने से दिखे ना ये टेप। इसलिए इसको देखिए, मैंने इसको छुटा के दोबारा से इसके जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है, ये ब्लैक ब्लैक जो बॉर्डर दिख रहा है, सिर्फ इसके ऊपर ही ऊपर लगाना है आपको इस तरह से, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगा देंगे तो वो टच और डिस्प्ले के बीच में दिखेगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसको लगा देना है चारों तरफ इसके। ये देखो दोस्तों, मैंने चारों तरफ जो है टेप लगा लिया हैगा। अब आपको जो है इसकी पन्नी हटा के इसको देख लेना है कि इस पर कोई डस्ट तो नहीं है। इसको अच्छे से ध्यान से देखना है आपको, क्लीन कर लेना है इस, और इसको डिस्प्ले को भी अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है एक बार। ये दोस्तों, ये एक फेलकोन नाम का एक केमिकल आता है दोस्तों, ये ग्लू को रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा, 60 से 70 रुपये की इसकी कीमत होती है, और काफ़ी चलता है दोस्तों। मैं इसी से ही इसको डिस्प्ले को क्लीन करता हूँ। जब टच को डिस्प्ले से अलग करके जो ग्लू रह जाता है, उसको भी इसको इसी से केमिकल से मैं रिमूव करता हूँ। इसको ग्लू रिमूवर बोलते हैं दोस्तों। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, अलग अलग क्वालिटी में आता है, उसी हिसाब से इसका प्राइस होता है। तो दोस्तों, अब देखिए, मैंने जो है डिस्प्ले को फ्रेम में रख दिया है। अब जो है इसका हमें इसका जो कागज़ है दोस्तों, ये हटा देता हूँ। ये डबल साइडेड टेप है दोस्तों, दोनों तरफ से जिसमें गम होता है, चिपकाट होती है, जिससे ये जो टच है डिस्प्ले से चिपक जाएगी, और डस्ट जाने का जो चांस होता है दोस्तों, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों इन फ्यूचर। इस तरह से आपको ये जो है कागज़ हटा देना है। आप धीरे धीरे
इस काम को करते करते आपका हाथ परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आप बहुत ही कम समय में किसी भी मोबाइल फ़ोन की टच को चेंज कर लेंगे बिना OCA मशीन की मदद से दोस्तों। OCA मशीन जो है 70 से 80 हज़ार रुपये का है दोस्तों। जब बिना OCA मशीन के वर्क हो रहा है तो दोस्तों इतने पैसे खर्च करना एक बेवकूफ़ी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इससे बहुत सारे फोल्डर बना चुका हूँ दोस्तों, इसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मैंने अच्छी खासी कमाई भी कर ली है। तो मैंने सोचा कि आपको भी लोगों तक ये जो मतलब लोगों तक ये बात पहुँचे जो लोग OCA मशीन एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने इसी पर्पस से ये वीडियो दोस्तों बनाया है आप सभी तक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों मैं इसी तरह की आने वाले समय में वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों अगर अच्छा लगे तो। दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेना है पहले ही, कोई भी डस्ट रहना नहीं चाहिए दोस्तों टच को लगाने से पहले, इस बात का आपको ख़ास ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी डस्ट रहना नहीं चाहिए, मैंने इस टच पे भी देख लेना है आपको कि कोई डस्ट तो नहीं है। उसके बाद में आपको डिस्प्ले को इस केमिकल की मदद से, फाल्कोन नाम का जो केमिकल होता है, इससे आपको अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। टच दोस्तों मार्केट से 120 रुपए से लेके 200 रुपए तक या 250 रुपए तक मिल जाती है आसानी से। अलग अलग मॉडल की अलग अलग प्राइस होती है दोस्तों। इसकी जो टच है मुझे 160 रुपए की पड़ी है दोस्तों। इसको जो है मैं बिना मशीन के आपको लगा कर दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए पूरी अच्छी से क्लीन हो चुकी है डिस्प्ले। अब मैं इसको टच को डिस्प्ले फ्रेम में अप्लाई करूँगा, आपको भी अच्छे से कर लेना है। आपके समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये जो टेप लगाया है चारों तरफ बॉर्डर पर, तो ये किस लिए लगाया है दोस्तों। अब आपको इसको बहुत ही हल्के हाथ से इसको रख देना है, अभी आपको चिपकाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो टेप है इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है कि जिससे ये इसी की मदद से चिपक जाए दोस्तों। बस आपको हल्के से इसके ऊपर रखना है ताकि जो टच और डिस्प्ले की जो है जो आपस में अच्छे से मतलब बैलेंस बन जाए, ऊपर नीचे नहीं हो पाए और फोल्डर बन जाए एक तरह का। दोस्तों देखिए ये जो है मैंने इसको आराम से निकाल लिया है। अब हम चारों तरफ से इसको हल्के हल्के प्रेस कर देंगे। आप समझ रहे होंगे ये मैंने क्यों इस तरह से लगाया है टेप और क्यों निकाला है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए आपका इस तरह का फोल्डर बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। चारों तरफ से आप ये जो है टेप से मैंने इसको कवर कर दिया है, अब डस्ट जाने की कोई भी चांस नहीं है दोस्तों। हल्के हल्के आपको चारों तरफ से इसको प्रेस करके चिपका देना है। बस अब जो है आपको फ्रेम पे अच्छे से ग्लू लगाना है ताकि ये प्रॉपर मजबूती से चिपक जाए। अगर दोस्तों अगर आप ऐसे ही टेप लगाकर इसको रखते तो ऊपर नीचे डिस्प्ले और टच जो है ऊपर नीचे चिपक जाती, तो उससे आपको आपका काम बढ़ता और दोबारा से आपको मेहनत करना पड़ती। तो इसलिए पहले ही आपको इस तरह से फ्रेम में रख के इसको इसकी फिटिंग करके सेट कर लेना है। और ये देखिए इसका काम तो पूरा हो गया, बस अब हमें इसके चारों तरफ इस तरह का ये जो ट्यूब आता है E700 या फिर B800 नाम का ये ट्यूब आता है दोस्तों, ये टच डिस्प्ले चिपकाने के काम में आता है दोस्तों। इसको आपको अच्छे से चारों तरफ लगा लेना है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ।
दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं आगे भी इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं दोस्तों, और आपको भी अच्छी इनकम हो, आपकी भी मेरी ऐसी आशा है, उम्मीद है दोस्तों। ओसी लेमिनेशन मशीन है दोस्तों, बहुत ही कॉस्टली है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है तो दोस्तों, और उसकी ज़रूरत भी नहीं। अगर देखा जाए तो आप 99% जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं आप उनकी टच चेंज कर सकते हैं इस तरह से, बस हाँ वो मॉडल ज़्यादा यानी कि 5.5 या इससे ज़्यादा बड़ा मॉडल का ना हो, उस पे ये मेथड वर्क नहीं करेगा दोस्तों। आप ध्यान रहे 5.5 तक जितने भी टच डिस्प्ले वाले मतलब मोबाइल फ़ोन हैं उसी पे ये मेथड वर्क करेगा। तो अब मैं इसको फ्रेम में लगाने वाला हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये जो है आपने जो करा है वो मतलब ठीक नहीं है, तो दोस्तों मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। ये जो तरीका है दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, आप इसको खुद एक बार करके देख सकते हैं और क्या रिज़ल्ट मिलता है आप खुद ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ये जो है मैं वीडियो अगर कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पहले उसको पूरी तरह से जांच परख लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उससे, उसी के बाद में मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ये जो तरीका है बिल्कुल जेन्युइन तरीका है दोस्तों, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस मेरे बताए हुए स्टेप्स को आप ध्यान से फॉलो कीजिए तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। बस थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपके हाथ जब इसको करते रहेंगे, एक दो टच आप लगा देंगे मोबाइल फ़ोन में तो आपका ऑटोमेटिक नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, और आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की टच चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसको मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगा दोस्तों, इसको टच को और डिस्प्ले को किस तरह से सेपरेट करते हैं सेपरेटर मशीन से, उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और इसको किस तरह से कॉम्बो को फ्रेम से निकालना है बिना ब्रेक हुए वो भी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसकी भी मैं वीडियो आने वाले इसके कुछ टाइम बाद में बना के इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इसको परफेक्टली लग चुका है टच, दोस्तों देखिए टच प्रॉपर वर्क कर रही है, और मैं आपको चेक करा दूं, देखिए दोस्तों बिल्कुल फोल्डर की तरह ऐसा लग रहा है जैसे कि उसी मशीन से इसकी टच चेंज की है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई है दोस्तों, और आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको इसको देखिए दोस्तों, टच प्रॉपर वर्क कर रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बस अब आपको इसको सूखने के लिए रख देना है रबर बैंड लगा के, दोस्तों इसको पहले बोर्ड को निकाल लेते हैं उसके बाद ही रबड़ लगाते हैं, वरना रबड़ लगाने में दिक्कत आ सकती है कुछ बोर्ड में। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको डबल रबर बैंड लेके इस तरह से आपको टाइट से ये लगा देना है ऊपर नीचे बीच में, और जिससे ये प्रॉपर इसका जो कॉम्बो है दोस्तों प्रॉपर फिक्स हो जाएगा, और
अच्छे से फिक्स हो जाएगा, सूख जाएगा। ये लगाना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अब हम इसको सूखने रख देंगे, ये 1 घंटे में सूख कर तैयार हो जाएगा। और ये हमारा जो कॉम्बो है बन के तैयार हो गया है दोस्तों, बिना OCA लेमिनेशन मशीन की मदद से। आपको मैंने दिखा दिया है टच को चलाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ना ही डस्ट जाने की कोई भी चांस है दोस्तों इसमें साइडों से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको चेंज किया दोस्तों। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है OCA लेमिनेशन मशीन परचेस करने की दोस्तों। आप इस तरह से अपना काम निकाल सकते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।